तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्लस माइनस का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। जिस वजह से मैंने क्या बताया, रूल्स ऑफ सिंबल, यानी कि सिंबल्स को यूज करने के पहले आपको कौन सा रूल अपने मन में ध्यान रखना है, मतलब जो आपको, अगर आप मैथ से पढ़ रहे हैं या मैथ से नहीं भी पढ़ रहे हैं तब भी आपको ये रूल्स आने चाहिए, ओके। तो चलिए मैं इन्हीं रूल्स के ऊपर बात करता हूँ विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो देखिए, अगर आपको एडिशन करने को मिल जाता है, अगर आपको ऑपरेशन मिल जाता है कि आपको क्या करना है कि एडिशन को करना है, ठीक है, ऑपरेशन मिल जाता है, तो देखिए आपको क्या देखिए मैंने पहला जो बनाया है वो क्या है, प्लस और प्लस, यानी कि अगर मान लीजिए मैं दो डिजिट ले लेता हूं, जैसे 4 ले लिया और 2 ले लिया, अब इनके बीच में क्या होगा, प्लस करवाना है, ठीक है। अब दोनों ही नंबर कैसे हैं, प्लस के हैं, दोनों ही नंबर कैसे हैं, प्लस के, 2 भी प्लस का है और 4 भी प्लस का है, ठीक है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा मैं कैसे सॉल्व करूं, देखिए ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, यहाँ पे दोनों ही प्लस के हैं, प्लस कुछ वैसा नहीं है, आपको 4+2 सिंपली करना है और साइन भी प्लस का ही लगा देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब चलिए दूसरे की तरफ देखते हैं, तो दूसरे में क्या है, प्लस है और माइनस है। देखिए ऐसा अगर आपके सामने आता है, तो मान लीजिए मैं यही डिजिट ले लेता हूं, ठीक है, प्लस का मैंने 4 ले लिया, ठीक है, और उसके बाद माइनस का मैंने 2 ले लिया, यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ था, और यहाँ पे क्या ऑपरेशन हो रहा है, प्लस का ऑपरेशन हो रहा है, तो माइनस का 2 ले लिया, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो देखिए अब प्लस माइनस इसको माइनस कर देगा, और इसके बीच में जो काम होगा वो भी माइनस ही होगा, यानी कि प्लस माइनस माइनस ही होगा, लेकिन साइन हमेशा एडिशन में, आप याद रखिएगा, एडिशन में साइन हमेशा बड़े वाले का आता है, यानी कि 4 और 2 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, ठीक है। प्लस माइनस में होगा तो माइनस ही, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले का आएगा। तो देखिए कितना आएगा, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, और जब प्लस माइनस माइनस हुआ तो कितना, देखिए बड़ा कौन है, प्लस, तो ये प्लस का 2 आ गया। मतलब समझ में आया कि अगर आपको प्लस माइनस में होगा तो माइनस ही, लेकिन साइन हमेशा एडिशन में बड़े वाले का आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का और प्लस का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं सेम डिजिट ले लेता हूँ, माइनस का 4 ले लिया मैंने, फिर प्लस कर रहे हैं हम, ठीक है, और फिर मैंने, फिर हमने प्लस का ही 2 ले लिया, इस ओके। तो अब देखिए अब क्या होगा कि माइनस का 4 और प्लस का 2, सेम जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही यहाँ पे होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो भी कुछ होगा, ठीक है, वो माइनस ही होगा, यानी कि 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। अब दिक्कत ये आती है, आप ये सब तो कर लेते हैं, तो हमने बचपन में सीखा था, लेकिन हम यहाँ पे साइन कौन सा लगाए। देखिए हमें क्या करना है, एडिशन में आपको एक चीज आप लिख लीजिए कि आपको बड़े वाले का साइन देखना है, ठीक है। आप ऐसे याद रखिए कि दो भाई हैं, एक सब्ट्रैक्शन है और एक एडिशन है। तो एडिशन में क्या, एडिशन एक ऐसा घर है जहां पे दो भाई रहते हैं, जिनका एक का नाम है सब्ट्रैक्शन s और एक का नाम है एडिशन, यानी कि एडिशन आप प्लस मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इनमें से क्या होता है, ये थोड़ा मतलब काम तो खुद ये करता है, लेकिन मतलब जो इल्जाम आता है वो बड़े वाले का ऊपर आता है। मतलब देखिए कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन ज्यादा थोड़ा ताकतवर है, लेकिन हम लोग मान्यता किसको देते हैं, बड़े वाले को लेते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्शन अगर एक बार आ रहा है तो सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। 4+2 में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े वाले का आएगा। बड़ा वाला कौन है, माइनस का 4, तो यहां पे माइनस का 2 आया, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां तक पूरा सॉल्व कर लिया, तो मैं थोड़ा रफ कर देता हूं क्योंकि नीचे वाले के लिए जगह नहीं बची है, ओके। तो देखिए अब देखिए लास्ट वाला क्या था, माइनस माइनस था, तो जब हम माइनस माइनस को सॉल्व करेंगे, मान लीजिए माइनस का 4 है, ठीक है, हम कर प्लस रहे हैं और माइनस का 2 है, ठीक है। अब दोनों ही हमारे माइनस में, 4 भी है और 2 भी है, तो यहां माइनस माइनस आपको लगेगा प्लस होगा, आप बिल्कुल सही है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ही होगा, यानी कि 4+2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 ही आएगा। लेकिन जैसा मैंने बता दिया कि आपको एडिशन में हमेशा बड़े वाले को देखना है, तो बड़ा वाला कैसा है, माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस का मतलब माइनस का साइन लगेगा, ओके। ये चीज हमने एडिशन में देख ली कि एडिशन में क्या होता है, प्लस प्लस तो सिंपल प्लस होता है, प्लस माइनस होता तो माइनस है, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले का आता है, ठीक है। फिर माइनस प्लस में भी माइनस ही होगा, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले का आएगा, यानी कि माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा कौन है, माइनस, ठीक है। हमने आपको एग्जाम्पल भी लिया था, माइनस का 4 और प्लस का 2, तो 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। माइनस माइनस में माइनस माइनस प्लस होता है, हाँ यहाँ पे भी होगा, लेकिन साइन एडिशन में हमेशा बड़े वाले का आता है, यानी कि माइनस का 6 आ गया, ओके। अब हम चलिए बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन में। तो सबसे ज्यादा गलतियां ये होती है कि हम लोग जैसा इसको सॉल्व करते हैं वैसा ही इसको सॉल्व करते हैं, या कभी कभी जैसा इसको सॉल्व करते हैं वैसा इसको सॉल्व करने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, अगर आप ये सोचे यहाँ पे भी बड़े वाले का साइन आता है, वो तो ऐसा नहीं होता है। अगर मैं सेम एग्जांपल यहां पे ले लूं, यानी कि माइनस का 4 ले लूं इनटू माइनस का 2 ले लूं,
ठीक है, माइनस का टू ले लो। अब जैसे फोर टू से कितना होगा, एट होगा, ठीक है। अब आपको लगेगा यहाँ पे बड़े वाले का साइन आएगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा कि प्लस ही आएगा, ठीक है। माइनस माइनस होता भी प्लस है और आएगा भी प्लस, यानी कि जैसा रियलिटी में होता है मल्टीप्लीकेशन में आपको वैसा ही दिखाया जाता है, और एडिशन में ऐसा नहीं दिखाया जाता है, एडिशन में बड़े वाले को मान्यता दी जाती है। ओके, अब देखिए माइनस प्लस, तो देखिए माइनस का फोर ले लिया और इंटू करा दिया, और हमने क्या ले लिया, प्लस का टू ले लिया, ठीक है। देखिए आपको प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, अगर आप यहाँ पे प्लस नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर सपोज आपका माइनस आता है तो आपको माइनस लिखना ही होगा। ओके, इस बात को रिमेंबर रखिएगा। तो देखिए फोर इंटू टू, तो फोर इंटू टू कितना होता है, एट होता है। अब बात आती है कि यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्योंकि हम लोग सिंबल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फोर और टू, देखिए यहाँ पे ये नहीं देखा जाता बड़ा कौन है छोटा कौन है, अगर एक बार माइनस आ गया तो माइनस ही होगा। ओके, अब सेम वैसे ही इसमें भी, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस का फोर लेना है, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई कराना है, और उसके बाद हमें क्या लेना है, माइनस का टू लेना है। एक बार माइनस आ जाए बस, आप जो रियलिटी में होता है, हमने क्या बताया था, प्लस माइनस माइनस होता है, और तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का साइन जो है वो सो भी होगा, फोर टू जा एट, और साइन कैसा आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। इसका मैं नीचे करा दे रहा हूं। तो देखिए प्लस प्लस कितना होता है, देखिए मान लीजिए मैंने प्लस का फोर ले लिया, ठीक है, इनटू करा दिया और प्लस के टू से करा दिया, तो फोर टू जा कितना होता है, एट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही प्लस थे, तो सिंपल प्लस ही में आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको अगर मल्टीप्लिकेशन आप सीख चुके हैं तो आपको डिवीजन सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेम जो यहाँ पे लॉ फॉलो हुआ है वही रूल यहाँ पे भी फॉलो होगा। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे प्लस है, तो यहाँ पे मैंने अगर प्लस का फोर ले लिया, ठीक है, और इंटू करा दिया, इंटू डिवाइड हो रहा था तो डिवाइड है, और मैंने यहाँ पे टू ले लिया और ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए फोर को अगर हम चाहें तो डिवाइड में भी तो चेंज कर सकते हैं, डिवाइड है, हम चाहे तो मल्टीप्लाई में भी तो चेंज कर सकते, कैसे, प्लस का फोर है, इंटू करा दिया, वन अपॉन टू करा दिया, ठीक है। अब दोनों ही प्लस में है, तो टू से टू टू फोर कितना, टू टू जब फोर होता है तो टू आ गया हमारा, और प्लस का ही टू आएगा, यानी कि इसमें भी सेम एजिटिक वही रूल लगता है जो जो इसमें लगता है, वही एजिटिक डिविजन में भी लगता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, अगर आपने स्क्रीन शॉट ना लिया हो तो प्लीज इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ। ओके, ले लिया, तो देखिए अब मैं इसको मिटा के थोड़ा लिख देता हूं। तो जैसे हम डिवीजन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो देखिए हमने मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बात किया था कि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में मतलब प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस का ही साइन आएगा, मैं आपको सिखा चुका था। तो देखिए यहाँ पे भी सेम एज इट इज ऐसा ही होता है, जैसे यहाँ पे प्लस का फोर है, ठीक है, और डिवीजन लगा हुआ है, डिवीजन लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का ही क्या है, प्लस का ही टू है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो डिवीजन का साइन है उसको आप मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, कैसे, आपको पता ही होगा कि इनटू वन अपॉन टू कर दिया, अब टू टू जो फोर होता है ये हमने काट के, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस कोई दिक्कत ही नहीं, तो प्लस का ही टू आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, जो है वैसा ही आएगा, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कि प्लस और माइनस है तो क्या आएगा, देखिए जैसे मैंने आपको उसमें बताया था ना मल्टीप्लिकेशन में, सेम वैसा ही होगा कि मान लीजिए प्लस का फोर है, ठीक है, डिवीजन लगा हुआ है, ठीक है, और माइनस का क्या है, माइनस का टू है, ठीक है। अब देखिए प्लस का फोर को तो ऐसे ही रहने दो, डिवीजन को आप किसमें, मल्टीप्लाई में चेंज कर लो, चेंज कर लिया, अब क्या होगा, माइनस का वन अपॉन टू हो जाएगा, ये थी ये से ये गया, ठीक है, कितना बचा, टू आया। आप कहोगे माइनस का साइन तो नीचे लगा हुआ था, ठीक है, माइनस का साइन अगर नीचे लगा हुआ है तो आप माइनस का वन से ऐसे मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस का टू ही आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब नीचे प्लस लिखा होने से कोई फायदा तो है नहीं, अब मान लीजिए फोर लिखा हुआ है, अब फोर के नीचे प्लस का वन, आप वन नहीं लगा सकते, लगा सकते हो, क्योंकि देखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैथ क्या कहती है, कोई फर्क ना पड़े। अब देखिए फोर है, फोर के अगर हमने वन से डिवाइड किया क्या, फोर वन जा फोर, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, फोर ही आंसर आया, तो आप किसी भी नंबर के नीचे प्लस का वन लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का वन कितना आया, माइनस का टू आया, यानी कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है, ठीक है, ये तो हम मल्टीप्लाई में पढ़ ही चुके हैं ना। अब देखिए दोबारा अगर हम देखें, अगर सेम एज इट इज हम दूसरे वाले के साथ भी देखते हैं तो वही होगा जो अभी हमारे साथ
हुआ है, ठीक है। जैसे माइनस का 4 है, ठीक है, और यहाँ पे डिवीजन लगा हुआ है और कैसा है, प्लस का 2 है, तो हम इसको फिर से किस में मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और माइनस का 4 है, माइनस का 4 ही रहने देंगे, इनटू लगा देंगे और यहाँ पे 1/2 कर देंगे, 2 2 2 4 हो जाएगा और हमारा पास माइनस का 2 आंसर बच जाएगा, यानी कि प्लस माइनस या माइनस प्लस दोनों ही माइनस ही में आंसर आएगा। अब लास्ट वाला जैसे हमने देखा था कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, सो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता था, प्लस प्लस का ही साइन आता था, सेम एज इट इज डिवीजन में भी प्लस का ही साइन आता है, ठीक है। तो माइनस का अगर मैं 4 ले लूं और डिवीजन करा दूं, ठीक है, और माइनस का मैं 2 ले लूं, ठीक है, तो इसको आप किसमें मल्टीप्लाई में चेंज करोगे और माइनस का 4 इंटू 1/ माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और प्लस का ही 2 आंसर आएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है जैसा मैंने सॉल्व किया है वैसे ही आप सॉल्व करो, मैं आपको बस ये दिखाना चाहता था कि डिवीजन में क्या प्लस 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 का ही आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। तो जरूरी नहीं जैसा मैं आपको करके बता रहा हूं वैसा ही आप करो, लेकिन मैंने आपको ये शो किया कि देखिए डिवीजन में सेम मल्टीप्लीकेशन का रूल लगेगा, जैसा मल्टीप्लीकेशन में वैसा डिवीजन में, और एडिशन में क्या है, देखिए एडिशन में आपको उसकी वैल्यू देखिए होगा तो वैसा ही प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन साइन बड़े वाले का आएगा, बस इतनी सी सिंपल सी चीज है, अगर वो चीज आपको समझ में आ जाती है तो सारी चीज क्लियर है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।